चैप्टर के शुरुआत में डैन अटैक करते हुए कहता है हेवेनली आर्टिलरी जनरल का फोर्स हेवेनली अटैक, जिसे देख नाइन सेंट्रल का हेड साथ ही लाइन ली का हेड काफी ही ज्यादा हैरान होता है। उसे इस तरह फिस्ट सेंट पर अटैक करता हुआ देख वो दोनों उस अटैक की ओर देखते हुए कहता है मैं यकीन नहीं कर सकता, क्या वह अपने दिमाग को खो बैठा है जो इस तरफ फाइव ड्रैगन लीग के हेड वांगो गुनैक पर वह अटैक कर रहा है। जबकि फिस्ट सेंट उस अटैक को अपनी ओर आता हुआ देख कहता है मैं विश्वास नहीं कर सकता हूँ कि तुम फाइव ड्रैगन लीग के हेड वांगो गुनैक पर इस तरह अटैक कर सकते हो, क्या तुम्हें लगता है कि फाइव ड्रैगन लीग की अथॉरिटी इतने नीचे गिर चुकी है, तुम एरोगेंट छोटे बच्चे। इसी के साथ वह भी अपने पंच को बनाता हुआ दोबारा कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं पता है कि डर क्या होती है। इतना बोलते ही वो भी डैन के अटैक के काउंटर में अपने अटैक को कर देता है। उन दोनों के अटैकों को टकराते ही हम देख पाते हैं उस जगह पर काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और इसी के साथ डैन के अटैक न्यूट्रलाइज होते हुए डिसअपीयर होने लगता है। पर फिस्ट सेंट अभी भी उसी पोजीशन में उस अटैक की ओर देख रहा होता है, लेकिन हम उसके अटैक के पावर को देख पाते हैं जो कि काफी बड़ा तबाही मचाई होती है उस बंदरगाह पर। फिस्ट सेंट उस ओर देखने के बाद इविल स्माइल के साथ अपने हाथों की ओर देखते हुए कहता है आयरन मार्शल एसोसिएशन में तुम्हारा स्वागत है, मैं तुम्हारा काफी ही वार्मेस्ट तरीके से स्वागत करूंगा। जबकि डैन उसी ओर देखता हुआ एक स्माइल के साथ कहता है मुझे इस चीज का इंतजार रहेगा ग्रेट फिस्ट सेंट। वांगुगुनेक वापस से अपने हाउस के अंदर आते हुए कहता है किंग ऑफ वार उसके अंदर कुछ तो बात है। इतने में ही वहां पर ब्लैक पर्सन आते हुए कहता है मैं यहां आपको कुछ रिपोर्ट करने आया हूं, चोलमा सिक्योरिटी ब्यूरो के रिलेटेड सभी तैयारी को पूरी कर ली गई है, जैसे ही आपका ऑर्डर हमें मिलेगा हम आयरन हार्ट क्लॉडी स्वॉर्डमैन पर अटैक कर देंगे। फिस्ट सेंट कहता है आयरन हार्ट क्लॉडी स्वॉर्डमैन, क्या तुम डियोंग म्यू होंग के बारे में बात कर रहे हो, लेकिन वह एक हाई रैंकिंग मार्शल आर्टिस्ट है जो फाइव ड्रैगन लीग के एडवाइजरी बोर्ड से है, क्या यह संभव भी होगा। वह बंदा बताते हुए कहता है डियोंग म्यू होंग वह पर्सन जिसका जूनियरों के बीच काफी सम्मान किया जाता है, तो यह स्वाभाविक है कि ऐसा करना मुश्किल होगा, लेकिन ऐसी कई कंप्लेन है जो कि यह बताती है कि उसके ओवर कॉन्फिडेंस और ईमानदारी के चलते एल्डरों के बीच उसकी काफी कॉन्फ्लिक्ट रहती है और तो और वह फाइव ड्रैगन लीग के लिए फ्यूचर में खतरा भी बन सकता है। इसके अलावा डियोंग म्यू होंग कोई भी फाइव ग्रेट फैमिलियों के अंदर से नहीं आता, इसलिए इसका सारा दोष अगर हम उसके ऊपर डाल देते हैं तो यह कोई भी प्रॉब्लम नहीं करेगा। फिस्ट सेंट थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है उसके जैसे पर्सन को बस ऐसे ही निपटा देना बड़ी बर्बादी होगी, लेकिन हम अपने दुश्मनों को तैयारी करने के लिए ज्यादा समय भी नहीं दे सकते, तो तुम आज रात ही इस प्लान को एग्जीक्यूट करो। वह बंदा जाते हुए कहता है हाँ ठीक है मैं समझ गया। पर फिस्ट सेंट उस बंदे के चले जाने के बाद भी अपने उसी हाथ को देख रहा था, उसे भी मुश्किल हुई होती है डैन के अटैक को रोकने में। वह कहता है चलो एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई लेकिन अब दूसरे का क्या, और फिर वह अपने पास रखे हुए फ्लावर की ओर देखता हुआ उस पर अटैक करते हुए कहता है मुझे केवल इसलिए सभी को नहीं मार देना चाहिए क्योंकि एक मर रहा है। इसके बाद वह एक मुरझाए हुए फ्लावर को काटने के बाद कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था एक वाला करने के बाद सारे अब बेहतर दिख रहे हैं, और अब जबकि मैंने अपने सारे मोहमाया को छोड़ दिया है तो मेरी डिजायर भी पहले से स्ट्रांग हो गई है, अब मुझे हेजिटेट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, मेरे लिए लाइफ और डेथ की बाउंड्री अब और भी अधिक क्लियर होती जा रही है। फिस्ट सेंट कितना बोलते ही सीन कट होकर हम आयरन मार्शल एसोसिएशन के अंदर ग्रेट हेवेनली मर्चेंट ग्रुप को देखते हैं जहां पर कोई कह रहा था यहां पर काफी शांति फैली हुई है, पर यह अजीब बात है बैटल फैंटम के साथ ऐसा होने के बाद भी इतनी शांति, जो कि चार हनोरों में से एक हेवेनली एस्केप रिसेप्टर का डिसाइबल था जिसकी डेथ हो चुकी है, जिसे सुन कोई दूसरा पर्सन कहता है अरे उसके मास्टर को तो छोड़ ही दो, बैटल फैंटम भी कोई ऐसा इंसान नहीं था जिसे हम गांगों के अंदर कम करके आंक सकते थे, वह फाइव ड्रैगन लीग के हेड के बेटे का प्रोटेक्टर था, यदि फाइव ड्रैगन लीग रूल को फॉलो करती है तो उसे हांगनियम के साथ कुछ तो करना चाहिए जिसने रूल्स के हिसाब से बैटल फैंटम के डेथ का कारण है। होलबैगर उसे बताते हुए कहता है वे बस सावधानी बरत रहे हैं, किंग ऑफ वार के फाइव ड्रैगन लीग के हेड को इतना बड़ा झटका देने के बाद उन्हें एहसास हो गया है कि किंग ऑफ वार का सामना करना उनके लिए मुश्किल होने वाली है, जिसे तुमने भी देखा था वह कमीना हांगो उनचोन ने कितना बड़ा क्योस मचाया था, लेकिन बैटल फैंटम की बात सुनने के बाद और लोगों के रिएक्शन देखने के बाद वह पीछे हट गया, मुझे यकीन है कि उसने बस पब्लिक ओपिनियन को चेक करने के लिए ही ऐसा किया था। इसी के साथ उसी समय बैटल फैंटम और डैन को फाइट को हम दोबारा देखते हैं जहां पर बैटल फैंटम के हारने के बाद वांगबो उनचोन वहां आते हुए कहता है आयरन मार्शल एसोसिएशन में बिना किसी कारण के किसी को मारना एक बड़ी क्राइम मानी जाती है, जिसके लिए किंग ऑफ वार आपको प्रिजन भी किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने स्ट्रांग है, यह सभी बेकार होगा, अब फाइव ड्रैगन लीग के सभी बेस्ट मार्शल आर्टिस्ट इसमें अपने कदम रखने वाले हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप कह सकते हैं, आयरन मार्शल एसोसिएशन से रिलेटेड एक मार्शल आर्टिस्ट को मारने के बाद अब मेरे गार्ड को आप अकेला छोड़ दीजिए। उसकी बातों को सुन बैटल फैंटम कहता है तुम अपना मुंह बंद रखो ह्वांगबो उनचोन, क्या तुम अभी भी रीजन को समझ नहीं पा रहे हो कि मास्टर क्यों पीछे हट गए, तुम हमेशा से बेवकूफी करने के साथ जंगली बन जाते हो, यही कारण है कि तुम्हारे साथ बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है, यह एक फेयर बैटल थी जिसमें लाइफ खतरे में पड़ ही जाती है, इस मैन टू मैन फाइट में उस छोटे से आयरन मार्शल एसोसिएशन को शामिल मत करो, फाइट की शुरुआत करने से पहले ही मैंने यह क्लियर कर दिया था कि फाइव ड्रैगन लीग का इससे कोई भी लेना देना नहीं होगा।
का मैंने अपना सबसे बेस्ट किया है जिसका रिजल्ट तुम्हारे सामने है, इसलिए मुझे तुम अब आउट भी अधिक एम्बेरेस मत करो। वहाँ देखने सारे लोग भी चिल्लाते हुए कहता है दो मार्शल आर्टिस्ट के फेयर बैटल के अंदर थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वांग बोनचियन, क्या तुम नहीं जानते हो कि तुम्हारा बिहेवियर बैटल फैंटम को एम्बेरेस कर रहा है जिसने अभी तक का सबसे अच्छा बैटल लड़ा है। इस प्लेस के सभी मार्शल आर्टिस्ट बैटल के फेयरनेस को अप्रूव करते हैं। तुम पीछे हटो वांग बोनचियन और यहाँ से चले जाओ। उन सभी के ऐसे रिएक्शन को देख वांग बोनचियन परेशान होते हुए कहता है धत्तेरी की डैमेज। उसी समय हम डैन को देखते हैं जो कि बैटल फैंटम को अपने माइंड के जरिए बता रहा होता है, बैटल फैंटम मैं तुम्हें अलविदा तो नहीं कह सकता क्योंकि तुम एक मार्शल आर्टिस्ट हो। जिसे सुन बैटल फैंटम कहता है तुम अपना ध्यान रखना, मेरा मास्टर हेवनली एस्केप रिसेप्टर वन म्यू वी है, वह निश्चित रूप से रिवेंज लेंगे यह जानकर कि मैं तुम्हारे हाथों मारा गया हूँ, क्योंकि मेरे मास्टर एक ग्रेट प्राइड वाले पर्सन है लेकिन वह साथ ही अनबिलीवेबल तरीके से स्ट्रांग है। पर यह कितने दुर्भाग्य की बात है, मैं इतने इंटरेस्टिंग फाइट को अपनी आंखों से नहीं देख पाऊंगा। इसी के साथ वापस प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पर ओल्डबैगर कह रहा था ऐसा लगता है कि सारी चीजें सेटल हो गई है, पर क्या फाइव ड्रैगन लीग ऐसा ही देखता रहेगा। अंशु कहता है सबसे ज्यादा परेशानी की बात यह है कि हांगवो गुनाक इतनी आसानी से पीछे हट गया। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने सोचा था कि किंग ऑफ वार के अटैक को रोकने के बाद उन दोनों के बीच फाइट होने वाली है जिसके कारण मैं और भी अधिक चिंता में था, पर अब इस सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि मास्टर डैन और यंग लेडी को इसको लेकर कोई भी चिंता नहीं है, वे दोनों काफी ही देर से बातचीत कर रहे हैं। ओल्डबैगर बताते हुए कहता है वे दोनों 10 साल बाद मिले हैं तो बेशक उनके पास काफी सारी बातें होंगे करने के लिए, तुम बस उन पर ध्यान मत दो। इसी के साथ हम डैन और सोहो की ओर देखते हैं जहाँ पर डैन कह रहा था तुमने अभी तक काफी अच्छा काम किया है ऐसी जगह पर जहाँ तुम्हें कोई भी नहीं जानता था, वहाँ इतना सफल होना, मास्टर ने उस समय जो कहा था कि तुम एक महान व्यापारी बनोगी वह बिल्कुल सच था। सोहो मास्टर वाली बात को सुन कहती है हाँ सही कहा, पर दादाजी अभी है कहाँ, यह सुनने के बाद आप मेनलैंड में आ रहे हैं। मैं इन्फॉर्मेशन को तलाश करने में लग गई लेकिन मैंने कभी नहीं सुना कि दादाजी भी आपके साथ हैं, क्या वे गौरजियों में ही रह गए हैं। डैन उसे बताता है उनका 10 साल पहले ही निधन हो गया तुमसे मिलने के कुछ समय बाद ही। जिसे सुन सोहो कहती है ओह तो ऐसी बात है मुझे माफ करिएगा। डैन कहता है तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, वे अभी शांति में होंगे, उन्होंने एक थका देने वाली जिंदगी गुजारी थी। इतने बोलते हुए वह सोच रहा था यह सही है हालांकि मुझ में अभी भी कमियां हैं, लेकिन वह एक ऐसे डिसाइबल को ढूंढने में कामयाब रहे जो उनके हेवनली आर्टिलरी जनरल के फोर्स को इनहेरिट कर सके। साथ ही उन्होंने उन तीनों हार्मिटो से भी बदला लेने में कामयाब रहे जिनसे वह इतना नफरत करते थे। वे जरूर अभी शांति में होंगे लेकिन अभी भी एक चीज बाकी है। इतना सोचने के बाद वह सोहो से कहता है सोहो क्या तुम हान फैमिली के बारे में जानती हो। वह बताती है हाँ बिल्कुल, भले ही वह अभी एक छोटे से ग्रुप हो लेकिन एक ऐसा समय था जब वह एनयू प्रोविंस में सबसे बड़ा ग्रुप हुआ करता था। इसके अलावा हान फैमिली की डॉटर 3 ब्लॉसमों में से एक आइस ब्लॉसम है, साथ ही वह लाइन लीग की एक की मेंबर भी है। यह एक ऐसा ग्रुप है जिसे कोई भी कम नहीं आंक सकता। तभी उसकी सर्वेंट आते हुए कहती है यंग लेडी चुअलमा सिक्योरिटी ब्यूरो के मेंबर को किडनैप करने वाले मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है और अब फाइव ड्रैगन लीग के मार्शल आर्टिस्ट अपनी चाले चल रही है। मैंने सुना है कि फाइव ड्रैगन लीग के एडवाइजरी काउंसिल का मेन कल्प्रिट है, वे अभी उसकी समरी ट्रायल कर रहे हैं। डैन हैरानी से सोचते हुए कहता है क्या समरी ट्रायल, बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ वह उस सर्वेंट से कहता है उस लॉजिंग का डायरेक्शन किस तरफ है जहाँ डोंग म्यू होंग है। वह एक और इशारा करते हुए कहती है वह उस तरफ है। उसी समय सोह भी कहती है ओरिबियन मैं तुम्हें वहाँ ले जाती हूँ मेरे पीछे आओ। पर डैन वहाँ से जाते हुए कहता है इतना समय नहीं है सोंगयन, तुम अपनी यंग लेडी को प्रोटेक्ट करना। जबकि सोह पीछे से चलाते हुए उसे कह रही थी ओरिबियन तुम इसे ढूंढोगे कैसे। पर डैन वहाँ से जाते हुए सोच रहा था मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक ग्रुप के हेड विशेषकर फाइव ड्रैगन लीग के हेड इस तरह की बचकानी साजिश को इस्तेमाल करेगा। इसी के साथ वह अपने सुनने की पावर को बढ़ाते हुए सुनता है तो कोई कह रहा था आखिरकार मैं कैसे कल्प्रिट हो सकता हूँ। तो दूसरा पर्सन उस पर चिल्लाते हुए कहता है म्योहंग तुम शांत रहो। जिसे सुन डैन कहता है मैंने उसे ढूंढ लिया, अब बस पता लगानी है कि यह आवाज कहाँ से आ रही है। वह दोबारा सुनता है तो कोई बता रहा होता है हमें नॉर्थ युआन के साथ तुम्हारा सीक्रेट कम्युनिकेशन के सबूत मिले हैं, तुम फाइव ड्रैगन लीग में शामिल होने से पहले ही नॉर्थ युआन से मिल चुके थे, इसके बाद तुम फाइव ड्रैगन लीग को इंटरनली तोड़ने की कोशिश करने लगे, कुछ समय पहले ही इस बात की भी सबूत मिली थी, तुमने म्योंग फैमिली के सामान को डिलीवरी करने वाले चुअलमा सिक्योरिटी ब्यूरो एक मेंबर को किडनैप कर लिया है, लेकिन अब तुम इतने सारे सबूत होने के बाद भी एक्सक्यूज दे रहे हो। जिसे सुनते हुए डियोंग म्योंग योंग चिल्लाते हुए कहता है मैं मेनलैंड के एक प्राइडफुल मार्शल आर्टिस्ट हूँ, मैं कैसे आयरन मार्शल एसोसिएशन के टॉप सीक्रेट को युआन को सेल कर सकता हूँ। उसके आगे वाला पर्सन कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हारा रीजन क्या था। साथ ही हम डैन को भी देखते हैं जो कि काफी स्पीड में उस आवाज की ओर जा रहा होता है। जिसके बाद हम वापस म्योहंग को देखते हैं जहाँ पर वह पर्सन कह रहा था आयरन मार्शल एसोसिएशन के टॉप सीक्रेट को लीक करने के तुम्हारे क्राइम ना केवल तुम्हारे फाइव ड्रैगन लीग के हेड को शर्मिंदा किया है बल्कि चुअलमा सिक्योरिटी ब्यूरो के मेंबर को भी सीमित करने की कोशिश की है। तुम्हारे क्राइम तुम्हारे पर्सनल लालच के चलते तुमने चुअलमा सिक्योरिटी ब्यूरो के द्वारा डिलीवर किए गए सामान को भी छीन लिया। वह बंदा बस चिल्लाते हुए रह जाता है यह समरी ट्रायल कोई मतलब नहीं बनाता, मुझे प्लीज मास्टर से मिलने दो, मेरी एक्सप्लेन
एक्सप्लेनेशन सुनने बिना तुम समरी ट्रायल कैसे कर सकते हो? मैं डियोमयोंग हूँ, आयरन हार्ट क्लॉडी स्वॉर्ड मैन हूँ। मैं किसी भी तरह से अपने कंट्री और आयरन मार्शल एसोसिएशन के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। डैन वहाँ जब पहुँचता है तो वह अपने आगे की सीन को देख काफी ही ज्यादा हैरान होता है। वह बंदा मरते हुए कह रहा था, मैं फ्रेम किया गया हूँ, यह अनफेयर है। डैन भी उसे देख एक स्माइल के साथ कहता है, तो यह पहले से ही सोची समझी साजिश थी। अंत में ह्वांग बुकुनाई के पास बस यही बचा था।